सुनीति कैसी है? जिंदा है। और कुछ? जी? और कुछ पूछने भेजा है शीतल ने तुम्हें यहाँ? ओह, मतलब आज तुम यहाँ शीतल के कहने पर नहीं आए हो? जी नहीं, आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। क्यों? क्यों आए हो तुम यहाँ? सुनीति से मिलना चाहता हूँ। सुनीति तुम्हें नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है। फैसला? वो तुमसे नफरत करती है। नफरत? हाँ, और उस फैसले के बाद आज इतने दिनों बाद वो चैन की नींद सोई है। उसे जगा के तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बेहतरी इसी में है कि यहां से तुम चले जाओ। मैं वाकई बहुत ही शर्मिंदा हूं। रवि ने मेरी आंखें खोल दी है, उसने मुझको सब कुछ बता दिया है। और तुम ये सोच के यहाँ पे आ गए कि क्योंकि सुनीति तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए हम सब बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करेंगे। क्यों? मैं सुनीति से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुनीति तुमसे शादी करना नहीं चाहती, ना ही वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती। ये क्या कह रहे हैं आप? कहने को तो अभी बहुत कुछ है मिस्टर अभय आहूजा, सुन सकते हो? तो सुनो, ना सिर्फ सुनीति, हम दोनों भी यही चाहते हैं कि यह बच्चा ना रहे। वो तो सिर्फ सुनीति की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टर हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। कुछ ही दिनों में जैसे ही सुनीति की हालत संभलेगी, तब वही होगा जो सुनीति चाहती, जो हम चाहते। तुम्हारा बच्चा सुनीति के पेट में नहीं रहेगा। जीजा जी, मत कहो इन्हें अपना जीजा, और ना ही मुझे अपनी कभी दीदी कहना, क्योंकि हमारा तुम्हारे साथ ना कोई रिश्ता था, ना है और ना होगा। वो तो हम सुनीति को जिंदा रखने के खातिर उसे इस बात का दिलासा दे रहे हैं कि तुम उससे शादी करोगे, उसके बच्चे को अपना नाम दोगे, ताकि वो डेस्परेशन में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो उसे अभी नहीं उठाना चाहिए। और बेचारा रवि सचमुच ये समझ बैठा कि इसी में उसकी खुशियां है, इसलिए वो तुम्हारे पास चला आया और तुम्हें पता चल गया, और अचानक तुम्हारे दिल में सुनीति के लिए इतना प्यार आया कि तुम यहाँ चले आए। देखिए, मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैं सुनीति से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज कम से कम ये गलती सुधारने का मौका तो दीजिए प्लीज। बहुत खूब, क्या अच्छी लाइनें सिखा के भेजा है शीतल ने तुम्हें? शीतल ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। क्यों? तुम तो उसके हाथों की कठपुतली हो, जैसी डोर वो खींचती है वही नाच तुम नाचते हो। आज कौन सा नाचने चाहने आए हो यहाँ? कौन सा नाटक खेलने आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? और इस ड्रामा का सबसे हसीन फरेब तो आज तुम लाए ही नहीं, तुम्हारा वो लाल गुलाब का फूल। जी हाँ, आज मैंने फूल नहीं लाया। जानती है क्यों? क्योंकि जब भी मैं फूल लाया करता था, मैं नाटक किया करता था। लेकिन आज मैं खुद यहां खड़ा हूं, और ये हकीकत है। और हकीकत ये भी है कि मैं सुनीति से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। देखिए, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, प्लीज प्लीज एक बार मिलने का मौका तो दीजिए प्लीज। बाहर जाने का रास्ता वहां है। चलो सुमन,